आप सभी का स्वागत है एसडी न्यूज में। उचाहार में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा नेता अतुल सिंह ने कहा कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को छत मिल रही है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को सीधा लाभ हो रहा। सिंह ने कहा कि 2019 इसका चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोगों को साथ मिलकर पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। योगी जी ने प्रदेश में कानून का राज कायम किया है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है हमारी सरकार ने। श्री सिंह ने कहा कि जिले की जनता भाजपा के साथ खड़ी है और लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी को वोट करेगी। देश के बाहर मोदी जी ने भारत का सर ऊंचा किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का और पतन होगा। कांग्रेस ने रायबरेली को पाषाणकालीन बनाए रखा। जब से भाजपा की सरकार आई है, रायबरेली भी विकास की मुख्य धारा है। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे प्रिय छोटे भाई युवा नेता श्री दीपू सिंह चौहान। इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे पुराने सहयोगी श्री धर्मेंद्र पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी जिले के नेता और हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आदरणीय श्री डीएन पाठक जी, वरिष्ठ नेता श्री रामदास पांडे जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र सिंह जी, वरिष्ठ नेता श्री चौहान साहब, युवा नेता राकेश यादव जी, हमारे सहयोगी परम सहयोगी श्री, इनकी सास भी देश की प्रधानमंत्री रहे, इनके हस्बैंड भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और रायबेली इनका प्रतिनिधित्व रायबेली की जनता के द्वारा चुने हुए उस पर जो प्रतिनिधित्व किया, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जब इन्होंने अपने लोगों को बढ़ाया, अपने लोगों को पैसा देकर मजबूत करने का काम किया है, लेकिन गांव गरीब किसान की अगर कोई चिंता करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है किस तरह गरीबों का भला हो, गरीबी खत्म हो। लेकिन कांग्रेस का नारा रहता है, हम लोग कहते हैं गरीबी खत्म हो और कांग्रेस कहती गरीबों को खत्म करो। ये अंतर है। कांग्रेस गरीबों को खत्म करने के लिए लगी रहती है, लेकिन भाजपा गरीबों को बचाने के लिए, गरीबों कैसे उनके बच्चे पलें, कैसे उनको चिकित्सा की व्यवस्था हो, कैसे स्कूल जाए, कैसे इनको रोजगार मिले, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है।